हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ मैं उनका आपको आंसर भी बताऊंगा। और आज हम अपने कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलें स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो ये रहा मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग यूजिंग वन आइटम फ्रॉम कॉलम वन एंड एप्रोप्रिएट रिलेटेड आइटम फ्रॉम कॉलम बाई। इफ्लोरसेंस, मेलाबिलिटी, अलॉय, एएमयू, सल्फर एंड सैंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको कॉलम ए से कॉलम बी का जो राइट मैच है वो करना है। तो देखो, इफ्लोरोसेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ये लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडेंसी टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स का वो गुण जिससे हम उसे पीट पीट कर क्या कर सके, एक थिन सीट में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है लास्ट ऑप्शन। Property of the metal being hammered into a thin sheet. Alloy क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है alloy. Alloy क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वहीं AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ कार्बन मास, 1/12 ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप। सल्फर और सैंड का मिक्सचर कैसा होगा बच्चा, कैसा होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि हम इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, सैंड को अलग देख सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा क्या आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होता है, मोल, मोल में इसको मेजर करेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो राइट मैच हो जाएगा मोल। अब यहीं पर तुम मुझे बताओ बच्चों, ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमो होता है या फिर हेट्रो जीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर हेट्रो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। होमोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर हेट्रो जीनियस मिक्सचर होता, तो मिक्सचर है बट होमो होता है या हेट्रो। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को बता दो, ये बताओ, जो वन मोल अगर मैं बोलूँ, वन मोल एटम, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हाउ मेनी एटम्स। तो वन मोल एटम बोला है, इसका मतलब है 6.023 × 10²³ एटम्स। ठीक है, 23 एटम्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na, क्योंकि ये एक अवोगाड्रो नंबर है, Na एटम्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बोला है मैच द फॉलोइंग केयरफुली कॉलम वन एंड कॉलम टू। पहले बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनटीपी। तो ये लॉ कौन सा है, जहाँ पर इक्वल अगर वॉल्यूम ले सारी गैसेस का तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। तो ये कौन सा लॉ कहता है, अवोगैड्रोस लॉ। तो ये हो गया अवोगैड्रोस लॉ। तो ए का यहाँ पर इधर लिख लेते हैं हम, ए का कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, एटम इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, मतलब एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा किसने बोला था, डाल्टन ने। तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वी का कौन सा हो गया, बी का हो गया हमारा फर्स्ट। ऑल प्योर सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट कॉम्बिनेशन इन द सेम प्रपोर्शन बाई मास। ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हो जाएगा सी के साथ, तो सी का कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला।
नेक्स्ट क्या बोला है, अमाउंट ऑफ मास बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन सेम रहता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर डी इसका हो जाएगा सेकेंड का, तो डी का क्या हो जाएगा सेकेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो होगा बराबर रहेगा। एटॉमिक मास इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये क्या है, ये डुलॉक और पेटिट का नियम है, ठीक है, डुलॉक और पेटिट का नियम। तो ई का यहाँ पर कौन सा होने वाला है, ई का फोर्थ। गैस रिएक्ट इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो ये जो है हमारा कौन सा लॉ हो जाएगा, गैलीसियक्स लॉ। तो एफ का यहाँ पर है फिफ्थ, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, और सी का जो है लास्ट वाला, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, डी का जो है यहाँ पर सेकेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ई का हो जाएगा यहाँ फोर्थ, डी लगता था पेटिट का नियम, और लास्ट गैसेस रिएक्ट करेंगे सिंपल रेशियो में ऑफ देयर वॉल्यूम, ये गैलीसियक ने बोला। ठीक है, यहाँ पर मैचिंग तो हो गई। अब आप मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, हु गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो एक हिंट दे दूँ, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, तो वो है लेवोसियर। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी, इन्होंने एक और लॉ दिया था, बताओ नाम बताओ इनका, तो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, ये भी डाल्टन ने ही दिया था। अभी बताओ लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो था, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया, कमेंट करके बताओ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, तो ये प्राउस्ट, प्राउस्ट साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैच करना है आपको कॉलम ए से कॉलम बी को। मोस्ट अवंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट, तो ये कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट। मोस्ट अवंडेंट मेटल की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है, मेटल, तो यहाँ पर एलिमेंट वर्ड लिखा है और यहाँ मेटल, ये ध्यान रखना है आपको। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो तो मरकरी हो जाएगा जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है, डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या हो गया आपका, डायमंड। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन हो जाएगी, प्लैटिनम, प्लैटिनम जो है वो क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल हो जाएगी। एंड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन है, प्लूटोनियम। अब तुम मुझे ये बता दो कि जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं हमें क्यों बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताओ बच्चों। ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है, ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक, तो नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है, वेपर डेंसिटी इंटू टू इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन देखो, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/2, इसको 2 को इधर भेजेंगे 1/2 बन जाएगा, तो अपना आंसर रहेगा ये वाला। अब बात करें तो यहाँ पर लिखते चलो, फर्स्ट का क्या है फोर्थ, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/2। मोल क्या होता है, मोल क्या है, कलेक्शन ऑफ एन ए एटम्स हो जाएगा, एन ए एटम्स क्या है, अवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो बी है उसका आंसर कौन सा है, थर्ड,
12 ग्राम कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन एटम के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एन ए एटम्स भी मिल जाएंगे। क्यों, कैसे निकाल के देख लेते हैं। सी पोर्शन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, 12 ग्राम मतलब वेट दे रखा है, 12 ग्राम कार्बन लिखा है, इसका मतलब है इसके क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं उसके मोल्स। ठीक है, तो ये क्या दे रखे हैं, उसके मोल्स दे रखे हैं 12 ग्राम कार्बन। तो यहां से हम मॉलिक्यूल पता कर लेंगे, और जब हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल मिल गया, तो देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहां पर देखो एक मिनट, यहां पर फॉर्मूला आपको लगाना है मोल्स, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और फिर जब मॉलिक्यूल्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू देयर एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कौन सी सिटी एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर समझ लो एटॉमिसिटी क्या होता है, इधर समझो, देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला आपको अमोनिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टाइप नहीं पूछा, नंबर पूछा, इसमें तीन हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, तो एटॉमिसिटी होगी इसकी 4। ऐसे मैंने मीथेन CH4 बोला, चार ये है और एक ये है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 5। मतलब कितने एटम्स हैं, टाइप नहीं बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिसिटी। तो यहाँ से इसके लिए हम कार्बन के लिए सॉल्व कर लो, 12 ग्राम कार्बन लिखा है मतलब एक मोल आ गया है, एन ए मोल आ गया। ठीक है, और एक ही कार्बन है तो यहाँ पर रखेंगे एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी, तो एन ए मॉलिक्यूल्स ही बचेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर जो बी है उसका ऑप्शन, जो सी है उसका भी ऑप्शन होगा 3rd। एक से ज़्यादा ऑप्शन एक के लिए करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और देखें तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब तो इसका भी मैच इसी से हो जाएगा। नेक्स्ट 196500 ये फेराडे चार्ज होता है। ठीक है, 1 फेराडे चार्ज जो होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड से मैच हो जाएगा। और देखो वेपर डेंसिटी जो होती है वो यूनिट लेस भी होती है, तो ए का फर्स्ट बी ऑप्शन जो है वो राइट है, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, तुम यहाँ पर फॉर्मूला देखो बच्चों, देखो जो वेपर डेंसिटी वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ जो भी हमारी गिवन गैस है डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दोनों डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट जो होगी और जो नीचे यूनिट होगी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो बनेगी वेपर डेंसिटी वो कैसी होगी, यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो जो फर्स्ट है उसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर वेट वाला इनटू हाफ करके, और या फिर यूनिट लेस। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए, और अगर हमें एटम चाहिए है तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई देयर एटॉमिसिटी,
और ये तीसरा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में रिलेशन, ये याद होना चाहिए। चौथा आप ये वेपर डेंसिटी याद कर लो, डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस जो भी गिवन रहेगी, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर देंगे। ये कितनी होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? तो होती है 0.4089 ग्राम पर एमएल। ठीक है, ग्राम पर एमएल, यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये समझा कि एटॉमिसिटी क्या होती है बच्चों। ठीक, वो तो क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.6 ग्राम मीथेन यहाँ से किसके साथ मैच करेगी? 1.6 ग्राम मीथेन दे रखा है, तो यहाँ पर हम देख लें, पहला यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो मोल्स निकाल लें अगर मीथेन के निकाल लें तो यहाँ पर कितना हो गया, वेट इन ग्राम कितना है, 1.6 ग्राम में है। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो CH4 मीथेन है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 0.1 मोल जो आ गए किसके, मीथेन के, तो यहाँ पर 0.1 मोल आ रहा है आंसर। ठीक है, 0.1 मोल आ रहा है, तो फर्स्ट का आंसर पहला वही आ रहा है। अब देखो और कोई मैच कर सकता है क्या? मोल्स आ गए हमारे पास। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कुछ ऑप्शन में दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लें। तो देखो हमारे पास मीथेन के कितने मोल्स हैं, 0.4। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो मोल्स का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तो मोल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए होता है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर हमें पता चल गया तो एक मॉलिक्यूल में हमें यहाँ पे पता है कितने होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन के 6 होते हैं, और यहाँ पर 10 4 इसके हो जाएंगे, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके हो जाएंगे? ये वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में, और हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, तो इतने से डिवाइड कर देंगे, 10 इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो मोल्स हमारे पास आ चुके हैं 0.1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स कितने हैं, 0.1 इंटू Na। तो ये तो हो गए मोल्स, लेकिन हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.1 मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन जितना हमें गिवन है 0.1, तो क्या होगा, एक में होता है 10, तो 0.1 में 0.1 इंटू Na हो जाएंगे, और तो यहाँ से क्या हो गया, Na इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, मतलब Na का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 टू 23 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि इसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी इसके लिए राइट है। फर्स्ट का 2 से मैच हो गया। अगर हम अमोनिया के लिए वही काम करें, अमोनिया के लिए निकाल लो, देखो यहाँ पर देखो अलग कलर से कर लेते हैं जिसे आपको सही से समझ में आए। देखो अमोनिया के लिए, यहाँ पर हम अमोनिया के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 1.7 ग्राम वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 14 प्लस 3 मतलब 17, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 17, मतलब 0.1 मोल क्या हो जाएगा,
अमोनिया, अमोनिया का भी 0.1 मोलार है, मतलब बी जो ऑप्शन है उसका आंसर फर्स्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें भी इलेक्ट्रॉन देखें तो वो भी काउंट कर सकते हैं, तो यहीं पर देखो इसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं ऑफ अमोनिया, क्योंकि हम अमोनिया के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोल्स इंटू एन ए वही आया सेम। अब एक अमोनिया के अंदर, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो, तो ये 7 तो इसके हो गए, प्लस 3 इसके हो गए, 7 और 3 10, इसके लिए भी 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, अमोनिया कितने होंगे, 10 इंटू 0.1 इंटू एन ए, तो यहाँ से ये इसके लिए भी क्या आ रहे हैं, एन ए इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। ऑन सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सी क्या बोल रहा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड दिया है हमें, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर देखो बच्चों, जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके अगर हम बात करें तो CH2O है, ठीक है, CH2O है। अब देख लेते हैं इसमें वेपर डेंसिटी के साथ कोई रिलेशन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो पहले, इसका हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, 10 हो गया, तो 3 30, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आया 30, और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो यहाँ से हम वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू 30 मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, मतलब 15 आ सकती है, तो सी का जो है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये किसका फॉर्मूला दिया है, ग्लूकोज, जल्दी से बताया करो, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें अगर हम कार्बन का परसेंट निकालें तो परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो थर्ड फोर्थ फॉर्मूला करके लिख लो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो भी लिखा है एलिमेंट लिख लो, इक्वल्स टू क्या होगा, जो भी एटम है उसका एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम, मतलब उसकी एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम कितना है उसका, अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो उसी को हम करेंगे अप्लाई, तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज के लिए अप्लाई करते, ग्लूकोज के लिए अप्लाई करा तो ये कार्बन कितने हैं ग्लूकोज के अंदर, 6 है, इनटू एक का होता है 12, अपॉन टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका कितना होता है 180, ठीक है 180, तो हम लिखेंगे 180 इनटू 100, यहाँ से हमने जब इसे सॉल्व किया 6 3 18 3 4 12 और 1 0, तो 40%, तो इसका आंसर क्या आ गया, 40%, तो ये है इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर डी के लिए आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है समझ में आया, तो एक से ज़्यादा आंसर भी ठीक हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मोटो क्या है कि आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले याद कराना है सिर्फ, ठीक है बच्चों, क्या है साथ ही साथ बार बार आप फॉर्मूले लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, वर्डन भी नहीं रहेगा याद करने का, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला याद करो, बार बार लिखोगे ना तो समझ में आता जाएगा जो जो बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, ऐसे लिखोगे ना, लिख लिख के याद करोगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो देखो यहाँ पर भी एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलम वन एंड कॉलम टू को मैच कराना। वन ई एम यू किसके बराबर होता है? तो देखो यहाँ पर फर्स्ट के लिए मैचिंग रखेंगे हम, एक ई एम यू जो होता है वन ई एम यू, इसको दूसरा क्या बोलते हैं बता दो यहीं पर, इसको और क्या बोलते हैं बच्चों, एक ई एम यू को वन यू, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, ई एम यू एटम एक मास यूनिट होती है, ये किसके बराबर होता है, वन अपॉन एन ए ग्राम्स। इसी को हम लिखें तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 केजी, और ग्राम्स में अगर लिखना चाहे तो 1.6766 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये है कि ए के एम यू जो है वो सेकेंड से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर इसका सेकेंड आंसर। वही प्रोटोन, प्रोटोन क्या होता है, देखो प्रोटोन का मास तो इतना होता है, सही है, तो बी के लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड भी होगा और पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। दैट मीन्स हम यहाँ से इसको इससे भी मिला सकते हैं और इसको इससे भी मिला सकते हैं, तो दैट मीन्स इसके लिए दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है देखो हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम होता है, कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट, कैसे, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ कितना होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी करो। ठीक है, तो क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चा लोग होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। ठीक है, 31 ही होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चा जी, जल्दी बताओ, ये तो मैंने बताया, ठीक है, ये तो मैंने बताया, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 केजी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ तो कितना होता है, 1.687 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 केजी। तो देखिए बच्चा जी, सबसे हल्का तो हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर जो है मास, फिर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखें तो ये जो हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा 1.87 या 66, मतलब ये कम वैल्यू है, ये थोड़ी तो ज़्यादा ना, थोड़ी तो ज़्यादा है वैसे बहुत कम, लेकिन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं हम तो हैवीएस्ट पार्टिकल क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ओके, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर डी का जो हो जाएगा आंसर वी। ठीक है, समझ में आया, तो आपको यहाँ पर याद रखना है एक ई एम यू जो होता है इसे यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, जो एक वटा एन ए के बराबर होता है, या फिर हम बोले 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 केजी के बराबर। ठीक है, याद रखनी है ये बातें, भूलना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोला है कॉलम ए विद कॉलम बी, मतलब एक्स और वाई के साथ मैच कराना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इधर देखो ए प्लस बी टू दैट गिव्स ए बी टू, ये रिएक्शन दे रखी है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे तो इसका वन है, ए के आगे जो वन है, बी के आगे भी वन है, और इसकी स्टोइकोमेट्रिक भी वन है। अब हमसे कॉलम ए में बोल रहा है 300 एटम ऑफ ए, देखो ये पहला जो दे रखा है वो क्या है, एटम है, सिंगल एलिमेंट है, और ये क्या है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, समझ में आ गया, ये क्या है एटम है और ये क्या है मॉलिक्यूल है। अब बोल रहा है 300 एटम ऑफ ए, ये मैंने भी बोला था आपसे, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी टू मॉलिक्यूल है। अब बोल रहा है मुझसे 300 है इसके एटम्स और 200 मॉलिक्यूल है, 200 क्या है मॉलिक्यूल है। तो देखो
कौन सी चीज़ ज़्यादा है, इसका एक एटम इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो इसके अगर 300 एटम होंगे इसके 200, तो इसके 200 से ये 200 रिएक्ट कर जाएंगे और हमारे पास 100 बचेंगे और यहाँ 0 0 बचेंगे, समझ में आया। तो कौन जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर बी क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और जिसके बाद रिएक्शन ना हो, तो वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में जो पहला वाला केस है, यहाँ पर लिखो फर्स्ट के लिए क्या है, B2 इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, सही बात है, P इसका राइट ऑप्शन, B के साथ मैच कर जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ पर और कोई मैच हो सकता है, 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2 विल बी फॉर्म्ड, सही बात है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल से स्टेसियोमेट्री है इसकी 1:1 दोनों की, और ये हमारा क्या बन गया है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम बस इसको देखेंगे, इससे डिसाइड करेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इनिशियली अगर मैं इसे देखूं, इसके एक मॉलिक्यूल से इसका एक मॉलिक्यूल बनना था, तो ये LR है, इसके 200 खत्म होंगे, मतलब 200 ही ये जो है वो उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, 200 AV2 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो S भी राइट ऑप्शन है हमारा, तो 1 का ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए दो ऑप्शन जो है वो सही मैच खा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी पोर्शन की, बी पोर्शन कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बी पोर्शन की अगर हम मैं बात करूं, तो देखो 100 एटम ऑफ ए के लिए ए प्लस बी टू दैट गिव्स ए वी टू मॉलिक्यूल। अब बोल रहा है 100 एटम्स है, क्योंकि ये एटम्स है और 100 ही इसके मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा, 100 100 रिएक्ट करेंगे, तो ना ये बचेगा ना ये बचेगा रिएक्ट करके, दैट मीन्स कोई भी यहाँ पर एक्सेस में नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बी का कौन सा हो गया, आर, बी का हो जाएगा आर। अब नेक्स्ट हम सी पोर्शन की बात करें, इसमें क्या बोल रहा है, ए प्लस वी टू, वही हमारी रिएक्शन है, ए बी टू बना रहा है। अब बोल रहा है 5 मोल ऑफ ए, 5 मोल दे रखे हैं इसके और इसके 2.5 मोल हो गए। अगर मैं LR निकालूं तो क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाई स्टेशियोमेट्रिक कोफिशियंट, ठीक है, मोल डिवाइडेड सबका कोफिशियंट 1:1 है, तो क्या होगा, इसका LR 5, इसका 2.5, तो जो सबसे कम होता है वही हमारा क्या LR बनता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या है, इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो B2 क्या हो गया, LR है। तो यहाँ पर जो C है इसके लिए P वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए P वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं डी की बात करूँ, क्या बोला है, 2.5 मोल ऑफ ए, जैसे क्या बोल दिया कि ए जो है, ए के तो 2.5 मोल है और बी के 5 है, तो अब ये वाला जो है हमारा LR बन जाएगा, मतलब रिएक्शन में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, तो ए इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पर इसका मैच हो जाएगा क्यू से, तो डी का क्या हो जाएगा, क्यू। समझ में आया यहाँ पर राइट जो मैचिंग है वो क्या है, राइट मैचिंग है, ये फर्स्ट से भी हो सकता है और ये लास्ट से भी हो सकता है, ये दोनों ही कम्प्लीटली खत्म हो गए थे और इसमें V2 जो था LR बना था और इसके अंदर ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट बना, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चे लोग क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे,
यहाँ पर कार्बन से तो कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, अब इन दोनों में हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना फर्स्ट का देख लेते हैं, इधर फर्स्ट की कौन कौन सी मैचिंग होंगी और इधर हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो नाइट्रोजन, मैंने आपको वेपर डेंसिटी का बहुत बार फॉर्मूला लिखा दिया, अब बता दो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। ओके, अगर मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी है तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 × 28 हो जाएगा, Y2 मतलब 14, और 14 वेपर डेंसिटी, तो N2 की मैचिंग तो इससे हो जाएगी, तो मतलब A का R। अब हम 14 Na इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अमोल, अमोल मतलब एक मोल, वन मोल, ठीक है, वन मोल के अंदर कितना होगा। अगर मैं N2 का वन मोल लूँ तो कितना होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था पीछे, वो उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो सेकेंड देखो क्या था, मोल्स, मोल्स N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, और मॉलिक्यूल्स से एटम्स निकालने बताए थे या इलेक्ट्रॉन्स जो भी है। तो N2 के अंदर 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं एक मोल में, तो मोल की जगह पर रख दूँ 1। देखो यहाँ पर मोल की जगह पर रख दूँ 1, क्योंकि हमें 1 मोल दिया है इनटू Na। तो ये तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और मॉलिक्यूल से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक N2 मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो Na के अंदर कितने होंगे, 14 × Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये वाला भी राइट है, तो A के साथ S भी है। अब बात करें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इसकी भी वेपर डेंसिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर कार्बन का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 12 उसका हो जाएगा, 16 उसका, 3 तो कितना हुआ, 12 + 16 तो ये हुआ 8 × 228, इसका भी 28 आ रहा है, Y2 तो 14, इसके लिए भी ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन में भी हमारा क्या आ जाएगा, आर वाला। और अगर हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोल में निकालें, तो इसके लिए भी देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने इसके लिए सॉल्व किया उसी तरह से अमोल बोल रहा है इसके लिए भी। तो यहाँ पर चेक कर लें हम, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, CO के भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na मॉलिक्यूल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा एक में कितने है? पहले ये कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6 इसके कार्बन के और 8 इसके, 8 × 6 = 14 हो जाएंगे, इसके लिए 14 आ रहे हैं, तो 14 × Na इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो इसके लिए भी यही सेम डेटा आ रहा है, तो इसका भी मैच S से हो जाएगा, R का S से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दिखने में क्या है, मैच द फॉलोइंग है, फॉलोइंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो भी आपने पढ़े हैं समझे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में, C6H12O6। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल का फार्मूला का मतलब क्या होता है, एक सिंपल रेशियो। C की अगर हम बात करें तो C6H12O6 है, अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये CH2O बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए राइट ऑप्शन ये वाला मैच खा जाएगा, C³। नेक्स्ट अगर हम कार्बन की परसेंटेज की बात करें, तो पीछे मैंने परसेंटेज और फॉर्मूल एलिमेंट लिखाया था कार्बन की,
तो कितने थे, 6 थे इंटू 12 अपॉन, यहाँ पर टोटल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे 180 होता है, जो कि इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हम काटा पिट्टी करेंगे, 30 से 10 गया 34, मतलब यहाँ पर 40% क्या आ गया, कार्बन। तो यहाँ पर इसका जो ग्लूकोज के लिए है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर पी से भी इसका मैच हो जाएगा। इधर साथ साथ दिखते रहेंगे जैसे कि गलती ना हो हमारी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये डी वाले ऑप्शन के लिए, तो इसको कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं, C2H4O2। अगर इसे सिंपल रेशियो में मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूँ तो क्या हो जाएगा, CH2O। तो इसके लिए भी ये सही मैच खा रहा है, दैट मीन्स जो डी ऑप्शन है उसके लिए भी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा क्यू जैसा ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें भी कार्बन का परसेंट निकाल के देखूँ, परसेंट ऑफ कार्बन, तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एक का कितना होता है 12, यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 60। निकालेंगे इसका 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और 4 ये, तो यहाँ आ जाएगा इसका 60 अपॉन ये हो जाएगा 100। 0 से 0 गया, 2 टाइम्स कटा, 2 दूनी 4, 40, 40%। तो इसके लिए भी क्या आ रहा है, 40%। तो ये भी जो है पी से मैच कर सकता है, ये भी जो है वो पी से मैच कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देखे आपके ए जो है वो आर और एस से मैच कर सकता है, बी जो है वो आर और एस से कर सकता है, सी जो है पी और क्यू से, डी है पी और क्यू से जो है मैच कर सकता है। तो ये रहे आपके राइट ऑप्शन, और जिसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है वो यहाँ पर लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। एक करोगे, दो करोगे, बाद में आपको जो है वो आने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है, मोल्स के फॉर्मूले याद रखो, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे ये भी याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, 1 लीटर कितने के बराबर होगा, तो 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ का 3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml या 1000 cm³ क्यूब, या फिर जो 1 लीटर होता है 1 dm³ क्यूब के बराबर होता है, या फिर 10⁻³ का 3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर यूनिट के कन्वर्जन में ये आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए, नहीं याद है अपनी नोटबुक पे लिख लो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml या 1000 cm³ क्यू, या फिर 1 dm³ क्यू, या फिर 10⁻³ का 3 मीटर क्यू होता है, ठीक। नेक्स्ट 1 जूल की बात करें, तो देखो एनर्जी के टर्म्स में ये कैलोरी दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, पहले जो पता है वो मिला लो। 1 dyne जो होता है 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि 1 newton में 10⁵ dyne होते हैं, तो जब 1 dyne पूछेगा तो माइनस की पावर हो जाएगी। अब 2 एनर्जी रह गई हैं, एनर्जी को एनर्जी से मिलाना है। देखो 1 calorie इक्वल्स टू होता है 4.2 joule, ठीक है, 1 calorie इक्वल्स टू 4.2 joule होता है, एंड 1 electron volt इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं ये दो इन्फॉर्मेशन है, जूल कैलोरी और अर्ग में क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है 1 joule इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अर्ग की यूनिट में पूछा है, जूल की यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके बारे में हमें इन चीज़ों से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पता है। तो हम देखो इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ऐसे निकालेंगे बच्चा लोग, इतने जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकाल लेते हैं, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁹ joule होता है 1 electron volt बराबर,
तो 1 जूल किसके बराबर होगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल जो हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा ऊपर, तो ऊपर बना लेगा 10⁻¹⁹ और नीचे रह जाएगा 1.6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बी का ऑप्शन है वो एस से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर बी का जो है वो एस से मैच कर जाएगा। अगर मैं कैलोरी और उसके भी बारे में बात करूँ, ठीक है, कैलोरी में भी देख लो, जूल को कैलोरी में रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 4.2 जूल जो है वो कितने के बराबर है, 1 कैलोरी। अब मैं बात करूँ 1 जूल कितने के बराबर होगा, तो 1/4.2 कैलोरी। तो 1 जूल जो हो गया वो कितना हो गया, 10/4y2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, 21, 5/21 मतलब कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाया बढ़ाया 1 पॉइंट, तो ये लगभग 2 × 2 2 8 2 3 8 9 समथिंग आ रहा है। दैट मीन्स ये इससे भी मैच कर सकता है, समझ में आया। तो बी वाला जो है क्यू और एस दोनों से मैच कर सकता है। अब हम अर्ग की यूनिट देख लेंगे, इससे कन्वर्जन कर लेंगे अर्ग में और जूल में रिलेशन। ठीक है, अर्ग का कैलोरी में रिलेशन देख लेंगे। तो मैच लास्ट हमारा हो गया, देख लेते हैं इसका रिलेशन भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी, 1 जूल बराबर इतने अर्ग होता है। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 10⁻¹⁷ अर्ग, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल है, 1 जूल की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो 10⁻¹⁷ ये क्या बन जाएगा, अर्ग। हमने अर्ग से निकालना है तो इसको देखेंगे, इधर कर लेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 1 और कितने हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁷ ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, एक अर्ग, लेकिन हमें कितना पूछा है, इतने अर्ग में कितना होगा, तो जो 9 पॉइंट, यहाँ पर बच्चों जगह नहीं हुई है, देख लो यहाँ पर 10⁻⁶ करेंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 9.9 × 10⁻⁶ अर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10⁻⁶, 7 से 1 कटा और यहाँ हो गया 18। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 18, ये कैंसिल और ये 9.9 बचा है और यहाँ पर 1.6 बचा है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है इन दोनों में से एक में मैच खाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन भी मिल गया हमें, इन दोनों में से एक में आपको देख लेनी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमसे बोल रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड के साथ आपको मैच करना है। 1 ग्राम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब हमें क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताओ, वेट इन ग्राम 1 मोल दिया है, इंटू मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन का 16 × 32, 32 वेट इन ग्राम, तो इससे ही मैच खाएगा। नेक्स्ट हम इसमें एटम के बारे में कुछ डिस्कवरी करके देख ले,
एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। तो एटम भी देख लेते हैं इसके। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला लिखाया था मोल्स के लिए, मोल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एनए, ठीक है। तो यहाँ से मोल्स हमें वन दे रखे हैं, इंटू एनए, एनए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो टू इंटू एनए एटम्स आएंगे। तो यहाँ पर ये किसी से और मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट का जो रहा हमारा आंसर रहा पी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 0.1 मोल ऑफ SO2, मोल दे रखा है, तो यहाँ से मास के बारे में कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो हाफ मोल दे रखा है इनटू इनटू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32 प्लस इसका भी 32, तो ये कितना 64, तो यहाँ पर 64, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम, वेट इन ग्राम, तो इसके लिए भी 32 ग्राम हो जाएगा। दैट मीन्स बी का भी पी आंसर हो सकता है। ओके अगर मैं इसका मोल दिया है तो इसके लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 1/2 इंटू एन ए, ये उधर जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन गए। मॉलिक्यूल्स से हम यहाँ पर इसके एटम्स निकाल सकते हैं, दो दो ये हैं और एक ये है, तीन एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू एन ए हो जाएंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, 1.5 एन ए एटम्स लिख सकते हैं ना, अब अगर दो नंबर को एन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसको भी ट्रू हो रहा है, मतलब एस से भी, पी और एस से भी मैच कर सकता है। नेक्स्ट अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट एसटीपी एनटीपी कंडीशन, एट एसटीपी एनटीपी कंडीशन। तो देखो यहाँ पर हमें मोल दे रखा है इसका भी के लिए, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, बच्चा लोग देखो, तो यहाँ पर हाफ मोल दे रखा है इंटू 22.4, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम इन लीटर मिल जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 11.2 एट एसटीपी, ये भी सही आ रहा है, दैट मीन्स ये इससे भी मैच कर सकता है, मतलब आर आर से भी मैच कर सकता है। नेक्स्ट सी, 1 ग्राम ऑफ H2, ग्राम दिया है, वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लेंगे, तो यहाँ से इससे निकालेंगे वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, मोल, मोल निकाल सकते हैं ना, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम 1, मॉलिक्यूलर वेट 2, हाफ मोल आ गया इसका, और हाफ मोल आ गया तो हम यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं, मोल से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर इसके लिए भी कितना आएगा, जब इसके लिए हाफ था तो इसके लिए भी वॉल्यूम 11.2 लीटर आ जाएगा एट एसटीपी, दैट मीन्स हम इसको इससे मैच कर सकते हैं, सी का जो है आर, सी का आर से मैच हो जाएगा, बाकी तो किसी से होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाफ मोल ऑफ O3, मोल्स दिया है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, वेट इन ग्राम्स इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए डी वाले ऑप्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, हाफ मोल दिया है इनटू O3 ओजोन जो दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा वेट इन ग्राम्स ऑफ O3, तो ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कि डी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्यू। और अगर मेरे पास हाफ मोल है तो मैं इसके एटम्स निकाल सकता हूँ, तो एटम्स कैसे निकालेंगे डी के लिए, नंबर ऑफ एटम्स, अब हमें जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, कैसे, इंटू एन ए हाफ मोल है, हाफ एन ए हो जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, अब मॉलिक्यूल्स इंटू एटमिसिटी कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, तो एटमिसिटी कितनी है इसमें 3,
इंटू मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 1/2 इंटू एन ए, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए ओ थ्री के लिए, तो ये कितना हो गया 1.5 एन ए एटम, तो ये इससे भी मैच कर रहा है, दैट मीन्स एस से भी मैच करेगा। और हाफ मोल दिया है तो हम एस टी पी एन टी पी कंडीशन पर वॉल्यूम भी सही है, तो यहाँ पर इसके लिए जो आर वाला ऑप्शन है वो भी ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, मोल है हाफ, मोल कितना है इसके लिए हाफ है, इंटू 22.4 लीटर करेंगे तो ये वॉल्यूम इन लीटर मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 11.2 एस टी पी एन टी पी कंडीशन पर, तो यहाँ पर क्यू आर एस तीनों से मैच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि फार्मूले याद हो, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इनके पीछे, कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये देखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट मैचिंग कह रही है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लेमडा यहाँ पर क्या बच्चों, ये है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जल्दी से लिख के बताओ मुझे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है 6.62 इंटू 10^-34। यूनिट बताओ जल्दी, यूनिट बताओ, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड जो होगी प्लैंक कांस्टेंट की होगी। यहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम है। लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा वेव लेंथ, लैम्डा क्या दे रखी है, वेव लेंथ। ठीक है, और पी क्या है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम बी। तो मैं इस इक्वेशन को लैम्डा इक्वल्स टू एच प्लैंक कांस्टेंट एम इंटू वी ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी क्या होगी बच्चों, सही होगी। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको पी ना लिखकर एम बी लिख देगा, वो भी ठीक हुआ। अब लाइमन सीरीज़ की बात करें, हाइड्रोजन की जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ बनती है वो क्या है, लाइमन कौन से रीजन में रहती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहेगी। ठीक है, लाइमन जो होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। अब यहीं पर मुझे तुम बता दो, ये लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर लाइमन हो गई, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड फंड, ठीक है, ये सीरीज। अब ये बताओ ये किस रीजन में लाई करती है, ये तो मैंने बता ही दिया, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में। बी बताओ, बी वॉलमर किस में लाई करती है, तो बी हो जाएगी विजिबल, इन्हें हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन में मिलेगी। बाकी ये जो है पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, ये सारी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, लाइमन यूवी रेज में, विजिबल में बामर आती है, एंड पाशन ब्रैकेट फन जो होंगी ये सारी किस्में आएंगी, इंफ्रारेड रीजन में, तो ये याद रखनी है। तो इसके लिए अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल एम, एम के साथ जिसका मास एम है, तो ये लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला क्या है, बेसिकली यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर दो रिलेशन का यूज़ किया है, एक लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और दूसरा एक मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m मास जिस पार्टिकल का हम पता कर रहे हैं उसका। तो यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं, पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बस यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। ठीक है, तो ये मास हो जाएगा, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m क्या हो जाएगा,
लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के। अब क्या बोल रहा है, 6.6×10⁻¹⁹ जूल पर फोटोन एनर्जी जो होगी ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर सेल टू के सेल, के सेल मतलब फर्स्ट, n इक्वल्स टू 1 में जब आएगा तो इतनी एनर्जी पर फोटोन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, पढ़ो जल्दी से, आंसर तो करो इसका। रेट कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोल रहा है, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, आर इक्वल्स टू के रेज टू द पावर, जो रिएक्टेंट है रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू होती है अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ जो के दिख रहा है वो उसे वो क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन में हमसे बोला है हैज़ द सेम यूनिट, इसकी यूनिट जो है वो इसकी यूनिट हो, मतलब आर इक्वल्स टू के बराबर हो। ऐसा कब होगा कि अल्फा भी जीरो हो जाए बीटा भी जीरो हो जाए, मतलब ये बन हो जाएगा, ये बन हो जाएगा, आर इक्वल्स टू के बन जाएगा। इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड दोनों की सेम हो जाए, ऐसा कब होगा, जीरो ऑर्डर, ये अल्फा बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर ऑर्डर जीरो हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऑर्डर जीरो हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब रिएक्शन हैविंग एपरेंट मॉलिकुलरिटी मोर देन 3, अगर 3 से ज़्यादा है तो ऐसी रिएक्शन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें फर्स्ट एक स्टेप से हम किसी का वो नहीं बता सकते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बोल रहा है रिएक्शन हैविंग मॉलिकुलरिटी 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, मतलब ये सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें मॉलिकुलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर जो है वो 1 है, ठीक है। अब बोला है फॉर द रिएक्शन ए टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है एज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अगर ए की कंसंट्रेशन डबल कर दे तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू के ए की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है डबल, रिएक्शन हो जाती है डबल अगर ए की कंसंट्रेशन कर दे 2a, तो ये कैसे होने वाला है, आर डैस। तो यहां पर देखो इसका हमें ऑर्डर नहीं पता, ऑर्डर बताना ये एन ले लो, तो ये हो जाती है डबल, तो हमने डबल कर दी, डिवाइड कर दो दोनों को, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा ए टू द पावर एन से ए टू द पावर एन कैंसिल, तो यहां पर 2^1 इक्वल्स 2^n है, बेस सेम है कैंसिल, तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, क्या निकाल लिया हमने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट जो है हमारा मैच कर जाएगा, समझ में आया, फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमसे बोला है वैसा लिखते जाओ बस, सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन जो है कर लिए हैं खत्म, तो कीप लर्निंग, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट योर फीडबैक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, और साथ ही साथ चैनल जो आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं दैट इज ज्वाइन अकेडमी, इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है, यहाँ पर जो है मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आसानी से आप जाकर उस पर देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को जाएंगे खोलेंगे और वीडियो देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कुछ छोटी छोटी जो है वो मैंने वीडियो वो है बनाई है अपलोड है, तो आप वहाँ से उन्हें भी देख सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट कुछ इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ समझेंगे कैसे चीज़ों को सरल बनाना, ठीक है? ओके, बाय बाय।